सचिन जी, अभी तक तो यूपी बिहार हिलता था तुमको जी, दोहा कतर कहाँ तक हिलेगा, क्या लगता है? दोहा कतर को ऑलरेडी हमारे भोजपुरी स्टार लोगों ने हिला दिया है, इसलिए मैंने जो है दोहा कतर, क्योंकि वहाँ शोज वगैरह हमारे ही बहुत मित्र हैं जो दोहा में है, यूपी बिहार के ही लोग हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि जब दोहा कतर जैसे सात समंदर पार भी हम लोग जाकर के वहाँ हिला करके आते हैं, धमाल करके आते हैं, और यूपी बिहार में उतना क्राउड नहीं होता जितना हम वहाँ के क्राउड को लेकर एंजॉय करते हैं अपने आप में, तो वहाँ लगता है कि यार ये भी यूपी बिहार ही है, तो वो जब फीलिंग्स मुझे हुई तो मुझे लगा कि यार इस टाइटल पे हमें काम करना चाहिए, इस पर कुछ हमें करना चाहिए। तो विजय राज हमारा दोस्त है, छोटा भाई है, तो उसने बोला कि भैया एक गाना हमने बनाया इस लेवल का, तो आप एक बार सुनिए, फिर उस पर जो है हम लोगों ने जो है प्लान किया और फिर आज इस यहाँ तक पहुँचे। सचिन, इस गाने में जो जितने भी आइटम डांसर्स हैं उनके लिए क्या गाना चाहेंगे? देखिए आइटम डांसर सिर्फ एक ही आइटम सॉन्ग है, बाकी सब रोमांटिक है, मेलोडी है, और आज का जो टेस्ट है कहीं से गंदा भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भोजपुरी बचाव आंदोलन के साथ रहा हूँ, तो कहीं से आपको कहीं से गलत वर्ड नहीं आएगा इस पर, और फुल इंटरटेन मिलेगा आपको, तो उस तरीके से मैं उसको शूटिंग कहाँ कहाँ? शूटिंग हम लोगों ने इंडोर किया है और अब मुंबई में किया है, आप लोग भी अब लॉन्च हुआ है एक घंटे के बाद आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा। इन्होंने आज एल्बम की दुनिया में इतनी बड़ी हिम्मत की है कि लोग सिनेमा में लोग हर वक्त कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बीड़ा उठाया है जो है आज के, ये देखिए देख रहे हो आप लोग, मैं चाहूंगा कि स्पेशली कैमरा आप चार्ज करें, तोहरा ठुमका पर दोहा कतर हिलेला। आप ये सोच लीजिए कि इन्होंने भोजपुरी को हिंदुस्तान में तो चली रहा है, हिंदुस्तान के बाहर भी इन्होंने बड़े पैमाने पर लेकर जाने की कोशिश की है, इसलिए सबसे पहले मैं हमारे दोस्त को मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ सचिन बाबू को। मैं बहुत खुश हूँ आज, बिकॉज ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत किया है मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए, और मैं थैंक यू सो मच अपने ये चिपा एंटरटेनमेंट और सूरज राज जी को कहना चाहूंगा, बिकॉज जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं एल्बम की दुनिया में कुछ नहीं होता। पूरी टीम को बधाई इसलिए दूंगा कि हमारे साथ में बहुत सपोर्ट किया हमें, बहुत मेहनत किया, और स्पेशली थैंक्स मिस्टर सचिन जी को जिन्होंने डायरेक्ट किया। जब मैंने गाना सुनाया था काफी लोगों ने नकार दिया था मुझे, यार क्या है ये सर, ये सब खाली हिंदी इंग्लिश में चल सकता है बॉस, ये सब क्या लिख रहे हो, क्या है फालतू के लिए मत मेहनत करो, तो मैंने कहा यार फिर निराश हो गया मैं, कैसे करूँ क्या करूँ। फिर सचिन जी को मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, एक दो पार्टी इवेंट में मिले हम लोग, जब डिस्कस किया उनको बताया तो बंदे ने बोला यार कुछ तो अलग है और किया जाए, बहुत क्रिएटिव इनको, और सूरज जी को जब उन्होंने प्रोड्यूस किया मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरे सपोर्टर जितने भी आर्टिस्ट मेरे को एक्ट्रेस है सब ने जम के मेहनत किया यहाँ पे, और आज उन टीम के वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। म्यूजिक लॉन्च हो गया है और बहुत जल्दी आ जाएगा यूट्यूब वगैरह में, तो देखने के बाद आप लोग तो कहेंगे इस बारे में कि बहुत साफ सुथरे तरीके से पिक्चराइज किया है, और मैंने इसमें दो आइटम सॉन्ग्स किए हैं, एक आवे समोसा गरम गरम और एक सैया मोर लहरी। सचिन जी ने मुझे मौका दिया भोजपुरी में आइटम सॉन्ग करने के लिए, तो भोजपुरी में मैं पहली बार आइटम सॉन्ग कर रही हूँ सचिन जी। मैंने सचिन जी के साथ पहली बार काम किया है और इवन भोजपुरी एल्बम मैंने फर्स्ट टाइम किया है। मैंने भी इसमें दो सॉन्ग्स किए हैं, जो एक तो विजय जी के साथ ही किया हुआ है टाइटल सॉन्ग, और बहुत अच्छा लग रहा है, और आई होप कि बहुत बड़े लेवल पे ये एल्बम हिट होने वाला है, बिकॉज एज अ रैपर आई थिंक भोजपुरी में ये फर्स्ट एल्बम है, अभी तक एज अ रैप कोई भी एल्बम ऐसा नहीं आ रहा है, और बहुत ही साफ सुथरा एल्बम है, बहुत अच्छा है, सबके साथ देख सकते हैं, फैमिली पैकेज है, यस पूरी फैमिली पैकेज है, इवन वो सॉन्ग्स प्ले होते हैं तो आप इमीडिएटली आपको लगेगा कि नहीं वी कैन डू डांस, यस।